पूज्य सद्गुरुदेव जी के जन्मोत्सव को इनके चेतना केंद्र गत 25 वर्षों से मना रहा। जो चेतना केंद्र का आरंभ 20 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन 5 वर्ष पहले भी मैं अपनी जगह फंक्शन हाल लेके भी गुरु जन्मोत्सव मना रहा था। गुरु जन्मोत्सव मनाना हमारे लिए, उनका जन्म ही एक असाधारण प्रक्रिया है। जो लोग कल्याण के लिए यहाँ उनका जन्म हुआ, ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के जन्मोत्सव को मनाना और हम जन्मोत्सव मनाकर हमारा उत्साह उनके प्रति बताना, उनकी कृपा को प्राप्त करना एक श्रेष्ठ क्रिया है। मंत्रों से भी बढ़कर, तंत्र यंत्रों से भी बढ़कर यह क्रिया है कि गुरु हमारे से प्रसन्न हुए और हम प्रसन्न होने के लिए क्या किया। हर शास्त्र, हर धर्म, ये सभी एक ही बात से, एक ही बात को मानते हैं कि गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं है, बिना गुरु के हमारा उद्धार नहीं होता। और गुरु की श्रेष्ठता जिसने जान ली, गुरु को प्रसन्नता करने की क्रिया की, संसार में उसकी वृद्धि हुई, उसको यश कीर्ति सम्मान प्राप्त हुआ, धन धान्य से ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और वो जीवन में जिस कार्य को असंभव समझ रहा था वो कार्य संभव हुआ। ये अभी नहीं, अनादिकाल से हो रहा है। और भगवान शिव को आदि गुरु कहा गया है। विष्णु भगवान को गुरु मानते हैं और शिव विष्णु को गुरु मानते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी हैं, जो हैं इन दोनों को गुरु मानते हैं। ब्रह्म हमें दिखता नहीं, लेकिन कहा गया है कि ब्रह्म ही ब्रह्मांड है, ब्रह्म का अंड जिससे हमारी उत्पन्न हुई। इसलिए नाथ सांप्रदाय के लोग हो या फिर धर्म से आगे आने वाले जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, सारे धर्म को, सर्वे धर्म यही एक को मानते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और यह कार्य कलयुग में आरंभ हुआ। हम कभी देखा जाए तो आज मैंने आज तक आपको बहुत सारे मंत्र दिए, गुरु ने दिया आपने किया, ऐसा होती है। लेकिन जब तक मंत्र का आनंद उस समय तक नहीं प्राप्त होता जब तक हमको मंत्र का अर्थ नहीं मालूम। प्रयत्न करता हूं कि आपको मंत्र का की उत्पत्ति कहां से हुई, कौन सा मंत्र किसने किया था और उसको किस प्रकार की सफलता मिली, यह मैंने हर मंत्र की दीक्षा देने से पहले आपको समझाया है। फिर भी न्यूनता आपके पास ये देखता हूं कि गुरु जी हमें मंत्र सिद्ध नहीं हुए, न साधना सिद्ध नहीं हुई, या फिर हमारे कष्ट या हमारे जीवन में जो आने वाले अच्छे बुरे दिन हैं वो तो आते ही जा रहे हैं, ये आपका कहना है, या आप समझते हैं कि ऐसा हो रहा है। मैंने इससे पहले भी बताया था, बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं कभी चलते हुए आया करते थे बहुत दूर से, और उन्होंने कहा कि प्रभु एक साइकिल होगी तो बहुत अच्छा था। साइकिल प्रदान की गई, गुरु ने साधना दी या उनकी सिद्धि के कारण साइकिल मिली। साइकिल पे आते थे, गुरु जी टांगे दर्द दे रही है बहुत, क्या चाहिए, स्कूटर अगर अच्छी होती तो ठीक है, उसकी समस्याएं बढ़ती गई। स्कूटर पे चलाते थे, गुरु जी इतनी हवा लग रही है आंखों में, सब भूल चली गई, क्या करना है, कार हुई तो अच्छी थी, कार आई। अब वो इसको खरीदने में, गुरु जी स्कूटर थी तो अच्छा था, क्या करूं, कार लिया, लोन पे लिया, अब वो लोन नहीं चुक रहा, इसके लिए आप कुछ ना कुछ करो। गुरु जी कार भी देना, लोन भी देना, लोन में अपने आने के बाद कार, गुरु जी ऐसा देखो ना, कुछ ऐसा यंत्र दे दो कार का एक्सीडेंट ना हो, गुरु कार का एक्सीडेंट के लिए भी यंत्र देना। अब गुरु ये करते करते उसको बुढ़ापा आ जाता, उसको साधना कब बोले। और एक प्रक्रिया है हमारे पास, माँ बाप आते हैं, गुरु जी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अच्छा भाई ये साधना करो, पढ़ो, पढ़ा, गुरु जी उसको आपकी कृपा से वो बीटेक हो गया, पास हो गया, क्या नौकरी नहीं मिल रही गुरु जी, ठीक है गुरु ने साधना बोली, नौकरी मिल गई, गुरु जी अब क्या बताए, नौकरी मिली अच्छी है, दिखने के लिए मेरा बच्चा अच्छा है, बीटेक भी हुआ, शादी नहीं हो रही। अब गुरु जी शादी के पीछे लगी, शादी दे दी, शादी के बाद गुरु जी ऐसा करो ना, उसको शादी हो गई वो बीवी और उन्होंने दूर दूर रहते हैं, जरा एक करके एक ही जगह ट्रांसफर करवा दो, ये भी गुरु का काम, ट्रांसफर करवा दिया। उसके बाद वो बोला गुरु जी
दोनों की शादी होगी, 3 साल हो गए, अभी बच्चा नहीं हुआ, अब गुरु जी क्या, उसको बच्चा नहीं लाया, बच्चा हो गया तो फिर बच्चे से शुरू, गुरु जी बच्चा दिए आप लेकिन बहुत बीमार रह रहा है, कुछ ना कुछ करो। ऐसी जिंदगी गुजरते गुजरते समस्याएं आती गई, साधनाएं बोलते गया और जिंदगी गुजरते गई, फिर जहाँ है वहीं, और फिर बोलेंगे कि हमारी साधना सिद्ध नहीं होगी। बोलो यहाँ इतने सब लोग बैठे हुए हैं, आपको बीवी बच्चे इन सब से पूछा है, सभी को परेशानी है कि हमारे घाट भाई बोली मेरे बच्चे की शादी कर दो, शादी कर लिया, फिर बोली बीवी सुन और बहुत अच्छी नहीं रही, अब उसके लिए, अब गुरु जी एक ही पीछे पीछे पड़ा, घर होना, बीवी होना, बच्चे होना, बच्चे के बच्चे होना, अब गुरु कहाँ तक करे, अभी गुरु के लिए आपने क्या किया, ये अभी नहीं सोचते, समस्याएं तुम्हारी बढ़ती गई और समस्याओं के लिए साधनाएं बोलते गया और साधनाएं आप करते गए, लेकिन फिर जहाँ के वहां बैठे हुए फिर साधना शुरू, फिर पोता मेरा अच्छा नहीं है गुरु जी, उस पोते के लिए कुछ करो, पोते के बाल निकालना है, गुरु क्या करेगा, पोते बाल निकले साधना हो गई, इस तरह जिंदगी बढ़ती गई और इन जिंदगियों को सुधारते सुधारते अध्यात्म न गुरु के पास गए हम, न मैं आपके पास पहुंच सका, केवल यही हुआ आपकी समस्या को लेकर समाधान बोलते गया और समाधान ढूंढते गए, हर बार एक नई समस्या लेके आते गए, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से कार, कार से हेलीकॉप्टर, यहाँ तक हो गया, क्योंकि अभी तक विमान नहीं चढ़ा, एक बार विमान चढ़ना चाहता हूँ, अरे फिर मैं क्या करूँ, मैंने पैसे दे दे दूँ, मैं लोन पे जाके आता हूँ, बाद में लोन के लिए आप साधना दे देना, इस तरह अगर एक गुरु की स्थिति हो गई तो वो अध्यात्म कब बोलेगा, कब अध्यात्म तक आपको ले जाएगा, समस्याएं तो निरंतर बढ़ती रहती है, बच्चा हुआ शादी हुई तो समस्याएं नहीं, नौकरी आई अच्छी नौकरी मिली, गुरु जी हमारा बॉस बहुत सताता है, गुरु जी अब क्या करूं, बॉस सताए नहीं सताया वैसा देखूं, फिर बॉस सता रहा है तो दूसरी जगह माँ आई, गुरु जी हम मेरा बेटा नौकरी में गया, जब से अब जब भी नौकरी बोले वो एक लड़की के पीछे पड़ा है, गुरु जी वो लड़की के साथ शादी नहीं होनी चाहिए, अब गुरु यही काम करते करते जिंदगी गुजार दिया, वो बूढ़ा हो गया, पोता हुआ, पोती हुई और काम चलता गया, समस्याएं बढ़ती गई, समस्याओं को बोलते गए, लेकिन किसी ने ये नहीं मांगा कि गुरु जी मुझे गुरु सिद्धि चाहिए, भाई गुरु के लिए क्या करूं, गुरु की तड़प किसको चाहिए, ये बार बार एक दिल में कहता है गुरु, कोई आखिर ये कहे कि गुरु जी मैं आज इस साल एक सवालात्मक गुरु का नहीं हुआ मेरा, मैं गुरु मंत्र नहीं कर सका, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर सका, इसके लिए क्या करना चाहिए, पूछने वाले शायद 100 में 99% तो नहीं है, 1% कोई होंगे तो वो भी कैसे आएंगे अपने पास, गुरु जी यही बैठ के साधना करता हूँ, घर में नहीं होता आपके सामने, अब गुरु क्या करेगा, इस प्रकार हमारी समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। बाद में एक दिन परम पूज्य सद्गुरु देवी से पूछा, गुरु जी अब ये कितने दिन ऐसा ही चला हूँ, मैं भी दिन ब दिन आगे बढ़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, लेकिन आपकी साधना मेरे हाथों से नहीं हो रही है, और मैं साधना और तपस्या करने कहीं हिमालय बद्री केदार मैं भी जाना चाहता हूँ, जैसे आपने हिमालय में साधना की, मेरी भी इच्छा है कि मैं जाके साधना संपन्न करूँ, मेरे गुरु का नाम संसार में यश कीर्ति के रूप में आगे बढ़ाऊँ, बहुत इच्छा होती है कि आज तक गुरु जी ने इतनी साधनाएं की, इतनी साधनाएं कि उन साधनाओं की कोई इच्छा नहीं, आज 20 साल से साधनाएं देते हुए आ रहे हैं। इस बारे में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना किया, प्रभु कोई ऐसा कार्य करो कि जिनसे इनको पहले मंत्रों का ज्ञान, इनको पहले देवताओं का ज्ञान, उन ऋषियों का, उन संतों का, उन महामुनियों का ज्ञान हो, जब मंत्र का अर्थ मालूम होने लगे तो लोगों को उसमें आनंद आता है, अगर मैं संस्कृत में ही कहते रहूं तो हो कैसे। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों बैठे हुए थे, उतने में माता पार्वती देवी ने आकर कहा कि तुम्हारे भूतगण हैं, ये राक्षसगण हैं, ये लोग क्या बात करते हैं, मुझे मेरी समझ में नहीं आता, ये संस्कृत नहीं बात करते, कोई अजीब सी बात करते हैं और ये मेरी समझ में नहीं आता, आप ऐसे लोगों को लेकर बैठे, काम बोलो तो इनको क्या बोलूं, इशारे से बोलना पड़ता है, ऐसा करो वैसा करो, भाषा नहीं आती, ये तो उस भाषा को संस्कृत को जानते नहीं, देवता भाषा है, राक्षस कैसे जानेंगे, भूत कैसे जानेंगे, उनको इशारों से बोलना पड़ता है, आप भी अजीब लोगों को लाके बैठे, कोई देवताओं को लाके बैठते, यक्ष गंधर्व किन्नर जिनको संस्कृत आता है तो मेरे काम और सेवा करने के लिए अच्छा रहता था। शिव जी का बेकार की बात नहीं करने, अब बीवी अगर इसको डांट दे तो शिव जी को भी तो गुस्सा आता है, मेरे जो भूतगण है भूतगण है, ये सब वो लोगों के छुड़े हुए हैं, देवगण सेवक सेवा में विष्णु के पास है, अब बाद में जो भूतगण छूटे वो मेरे पास आ गए सेवा के लिए, और इनको कंट्रोल करना किसके बाप की बात नहीं है, ना विष्णु कर सकता है ना ब्रह्मा कर सकता है, इसको कंट्रोल करना तो मैं ही करना चाहिए। उन्होंने कहा बात सही है, आप कंट्रोल करो, मेरी परेशानी भी तो देखो। शिव जी ने कहा
बात अगर सेवा कर लेना है तो इनसे कर लो, नहीं तो मेरे से वाद विवाद नहीं करना, मेरे को समाधि में जाना, मैं समाधि में चला जाऊंगा भाई, जब तब करूंगा, तू मेरे से वाद विवाद मत करना। अरे मैं इसमें क्या, पत्नी की जो पत्नी का जो कष्ट है वो मैंने समझाया आपको, मेरे ये नहीं हो रहा है, इसमें आपको वाद विवाद कैसे लग रहा है, झगड़ा कैसे लग रहा है,